सभी को नमस्कार। मैं आपका पिंटू राव। मैं आपको आज कुछ नई स्टेप बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको अगले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसको आपने रियाज किया होगा, तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को भी देखिएगा। मैं आपको कुछ इसमें नया बताऊंगा। मैंने इसी सार्प से मिला रखा वायलिन अभी, और आपने उस चीज का रियाज किया होगा। मैंने आपको बोला था उस वीडियो में कि आपको एक एक तार पे आपको रियाज करना है, तो आप अभी यही रियाज करिएगा और मैं आपको नई स्टेप और बताता हूँ। ये फिंगर बोर्ड पकड़ आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे समझिए आप, आपको ऐसे पकड़ रखना है। और गज को कहाँ पे चलाना है, ये ब्रिज और फिंगर बोर्ड के बीच में, यहाँ पे तार दूसरे नहीं टकराने चाहिए इसे। पूरा गज तो आप इसी हिसाब से रियाज करिए। अभी उसमें आपको फिर लय भी बढ़ाना है। रियाज करना है अभी। और जो बो की पकड़ है, ये उंगली बीच में, अंगूठा जो है ये बीच में, तो आपको इस हिसाब से वायलिन की पकड़ रखना है। और जो अभी मैंने सीधे पांव पे वायलिन को रखा है, और आप भी सीधे पांव राइट हैंड पे रखिए, इसी हिसाब से आपको रियाज करना है। चल उतार वायलिन में जाइए सभी आप, और मैं आपको और कुछ बताऊंगा, तो आप इसी चीज का रियाज करिए। इसमें आपको ले बढ़ाना है, पहले मैंने बताया था वीडियो में कि आप आराम आराम से एक गज में अब आपको ले बढ़ाना है। तो आपको अभी ले बढ़ाना है, फिर आपको मैं आप नोट से बताऊंगा। आरोह अवरोह सरगम है, आपको मैं भी वो भी बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी इसका रियाज कीजिए। सभी को मैं नमस्कार मेरा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। थैंक यू सो मच।